नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, पटना कॉलेज। मैं आज आपके सामने अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। पहली कविता जो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, वो कविता का शीर्षक है अट्टहास। जब शूर्पणखाएं मिल जाती हैं सीताओं से और साथ हो लेती हैं गोपियां, राधा, द्रौपदी और कुंती, तब रामायण और महाभारत का मिट जाता है भेद, न्याय की सभा लगती है और खुद ब खुद शुरू हो जाता है चीरहरण। स्वतः ही निर्वस्त्र हो जाते हैं सभापति पितामह और पति परमेश्वर। जुबा की गांठें खुल चुकी हैं मेरी, अरसों के बंधन से मिले घाव छाले और अनगिनत चोटों से अब रिसने लगा है पीव, खून और जहर। मेरी फफकती जुबां के उस पार मैं देख रही हूं एक ही सभा में राम को रावण से मिलते, रावण को कृष्ण से बतियाते, कृष्ण को संविधान के पन्ने उलटते, सब का विराट रूप होने लगा है सूक्ष्म। ज्ञान, अभिमान, गरिमा वगैरह दुबक कर कोने में फड़फड़ा रहे हैं छिपकली की कटी पूंछ की तरह। अब तुम बचा लो वो सब जो हम बचाते आए हैं अब तक। देख तो लो, देख तो लो, इज्जत दिखती कैसी है, गोरी है, काली है, देवी है, चुड़ैल है या वैश्या। अट्टहास हमारा, दर्द भरा अट्टहास, बच लो। जो दूसरी कविता मेरी मैं सुनाने जा रही हूं, उसका शीर्षक है लक्ष्मण से। यह संवाद लक्ष्मण से उर्मिला कर रहे हैं कि मैं दीप रोज जलाती थी, पर दीपावली हुई तुम्हारे आने पर। जीती थी बस यूं ही अनवरत इंतजार में, पर खुशियां मनी तुम्हारे जीत जाने पर। साथ छोड़ गए थे, तड़पी थी मैं, तुम ग्रंथों में थे, बंद कमरे में थी मैं। खुले तुम और रामायण बनी, मैं खुलती तो खैर। दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आजीवन इसी कमरे में रहना चाहती हूं। वो क्या है ना, आतिशबाजियों का शोर मुझे कुछ खास पसंद नहीं। उर्मिला की ओर से लक्ष्मण। मेरी जो तीसरी कविता है उसका शीर्षक है रहस्य। तुमने अब तक मुझे रहस्य रखा है, तुमने कहा मुझे समझना मुमकिन नहीं है, तुमने यह भी कहा कि मैं हूं वह उलझन जो तबाही ला सकती है। कुछ और भी कहो मेरे बारे में, और भी ग्रंथ लिखो, मैं पढ़ूंगी, समझूंगी और चुप भी रहूंगी, क्योंकि मेरा रहस्य बने रहना मेरे लिए अच्छा है। तुम मुझे खामोश करते रहो, मेरी खामोशियों के इर्द गिर्द साहित्य रचते रहो और मैं मुस्कुरा कर उन्हें पढ़ाती रहूंगी। तुमने अपने सारे रहस्य खोल कर खुद को कमजोर कर रखा है, बुद्धू कहेंगे। जो अगली कविता मैं सुनाना चाहती हूँ उसका शीर्षक है मेरे युग की सभी सीताएं। मेरे युग की सभी सीताएं शायद तैयार हैं वनवास के लिए, लक्ष्मण रेखा के लिए, अपहरण के लिए, अग्नि परीक्षा के लिए, पुनः वनवास के लिए, लवकुश को जन्ने के लिए और फिर पृथ्वी में समा जाने के लिए। राम राज्य में सीताएं तो होंगी, है ना। जो अगली कविता मेरी है उसका शीर्षक है वुल्फ के तीन गिनीज। वर्जीनिया वुल्फ ने तीन गिनीज मांगे थे कि उससे कुछ महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, विश्वविद्यालय खोले जाएं। उसी पर आधारित मेरी ये कविता है वुल्फ के तीन गिनीज। वुल्फ ने मांगे थे तीन गिनीज कि खोले जाएं शिक्षा के संस्थान महिलाओं के लिए भी, कि मिले हक महिलाओं को भी। नहीं जानती थी वुल्फ, नहीं जानती थी कि वुल्फ की वहीं लगेगी फैक्ट्री, बनेंगी औरतें और भी औरत उसी कारखाने में, कि उनका औरत बने रहना जरूरी होगा,
चलते रहे ये कारखाने आजादी के नाम पर, उन्हें सिखा सके पुरुषवादी मूल्य, पहनाते रहे वैसे ही कपड़े, करा सके बार बार ये एहसास कि दुपट्टे के इर्द गिर्द ही जीवन समेट लो, इनके झुरमुट में ही लेना सांस, अपने शरीर में सिमट जाओ कि वही तुम्हारी दुनिया है। औरतों का कारखाना बनाएगा औरतें हमेशा लगातार, कि फायदा इसी में है सबका, पुरुष का, बाजार का, कारोबार का, बस औरतों का कुछ नहीं कह सकते जो जान नहीं पा रही कि वो जितना बिगड़ेंगी उतना ही बनेंगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सिमोन से, यह संवाद सिमोन दी बोअर, एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमिनिस्ट हैं, उनसे एक संवाद है। कहा था सिमोन दी बोअर ने, औरतें नहीं होती पैदा, बनाई जाती हैं। मैंने सोचा कहाँ बनती होगी औरतें, मैंने सोचा कहाँ बनती होंगी औरतें, मोची बनाता है या फिर सुनार, ठठेरा या दर्जी, या फिर बनती है ये भी किसी धुआं निकलती फैक्ट्री में। पर दहकती सुलगती फैक्ट्री से कैसे निकलती होंगी कोमल कोमल औरतें, सिमोन तो पहेली है, कहती है औरत नहीं होती पैदा, बनाई जाती है। अब बोलो कैसे, कब, कहां, छोड़ो जाने दो। बनाता होगा कोई डिजाइनर एक फ्रेम, और भरता होगा उसमें मांस, हड्डी और खून, कुछ नसें, शर्म, हया और इज्जत। या सच में बनाता है मोची, सुनार, ठठेरा और दर्जी, छोड़ो, कौन इतना सोचे, बने जहां भी, पर आखिर कौन बनाता है ये औरतें, या यूं कहें कि कौन कौन बनाता है औरतों को। थोड़ा मोची जूतों में भी बनाता है, जरी से, हील से, थोड़ा सुनार भी तपाता है क्या आग में, थोड़ा ठठेरा तराशता है कढ़ाई और लोटे में, थोड़ा दर्जी भी सीता है क्या औरत। सिमोन बोलो ना, कहाँ और कैसे, सच में पहेली हो तुम, कहती हो औरतें नहीं होती पैदा, बनाई जाती हैं। कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन आखिर आप जो पढ़ रहे हो कविता वाली औरत को, आप भी बनाते हो क्या कभी कभी अपनी उम्मीदों से, थोड़ा तलवे के नीचे, थोड़ा तकिए के ऊपर, या फिर मुफ्त के कई रोजगारों में। सिमोन तुम तो पहेली हो, कहती हो औरतें नहीं होती पैदा, बनाई जाती हैं। कैसे सुलझे ये गुत्थी, पैदा तो औरतें करती हैं, बनाती भी हैं क्या? तो क्या तुमने भी बनाई औरत अपने जैसी कई कई बार? क्या तुमने भी कभी तोड़ा उसका आत्मविश्वास, उसके सम्मान को बांधा तुमने भी उसकी देह से? क्या नापी कभी छाती कभी कमर? क्या तुम भी पैदा करती हो औरत को उसके ही भीतर? इतने लोग जुटे हैं एक साथ अलग अलग जगहों में कि सिमोन वक्त नहीं लगता, पैदा होते ही बन जाती है औरत, औरत। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इतिहास और स्मृति। तुम इतिहास हो, देख सकते हो, मैं स्मृति हूं, धुंधला गई हूं। तुमने देखा, तुमने देखा, वेद देखा, पुराण देखा, हड़प्पा देखा, मौर्य, मगध, गुप्त देखा, तुर्की, खिलजी, तुगलक देखा, मुगल देखा, अंग्रेज देखा, शहीद देखा, तिरंगा देखा, हर रंग का इतिहास देखा। मैंने सुना कि तुमने देखा, मैं स्मृति हूं, धुंधला गई हूं। दिमाग पर जोर डालती हूं तो याद आती हैं धुंधलाती तस्वीरें, टूटी हूं, जुटी हूं, मुंह मुंह फिरी हूं, इसलिए उल्टा, मैं स्मृति हूं, मैं उल्टा, तुम कानूनी कागजात सा रिश्ता, मैं आश्वासन हूं, तुम विश्वास, मैं सांत्वना हूं, तुम जीत और हार। मैंने सुना कि तुमने देखा, याद तो नहीं पर शायद सच ही देखा होगा, पर मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, लाल पीली हरी चूड़ियां, चूल्हे का धुआं,
पैरों के घुंघरू, दादी के सफेद बाल और घुलता हुआ तिरंगा। युद्ध के समय कपड़ों पर लगे दाग, युद्ध भी देखा था क्या? याद नहीं। मैंने देखा था, भूखे सिपाहियों को खाना खिलाया था, चोटें धोई थी, मरहम किया था, और कुछ खास याद नहीं। तुम्हें याद है क्या? मैं स्मृति हूं, धुंधला गई हूं। याद आए फिर भी इतिहास मत करना मुझे, मुझे कागज मत कर देना, बांधना मत वाक्यों में। जब तक निरक्षर हूं, अनजान हूं, तुम इतिहास हो। देखो, गढ़ो, समझो, पढ़ो। मैं स्मृति हूं, खो जाऊंगी। अभी धुंधली हूं, कल आजाद भी हो जाऊंगी। बस इतनी ही कुछ कविताएं मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।